नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। अदानी फाउंडेशन की ओर से एकता नगर में फॉर्च्यून सुपोषण के तहत परिसंवाद का आयोजन करवाया गया। नर्मदा जिले में अदानी फाउंडेशन की ओर से एकता नगर में फॉर्च्यून सुपोषण कार्यक्रम के तहत परिसंवाद आयोजित करवाया गया। दरअसल आपको बता दें कि सुपोषण अभियान की शुरुआत साल 2018 से की गई थी, जिसके तहत भारत भर में 20 जितने इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चे, किशोरी और महिलाओं में आरोग्य और पोषण के बारे में जागृति और सुधार लाने का है। उसी के चलते एकता नगर में भी परिसंवाद का आयोजन करवाया गया था। नर्मदा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, बिकॉज ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस लोकेशन को देती है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमको निमंत्रित किया कि हम अपना प्रोजेक्ट सुपोषण यहाँ पे स्टार्ट करें। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारे बाकी लोकेशन का प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख के गवर्नमेंट ने हमको चुना और हम बहुत सक्सेसफुली ये 4 साल से कर पा रहे हैं। हम इसमें एडोलेसेंट फीमेल्स, 0 to 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन और रिप्रोडक्टिव एजेस में एज की महिलाओं को टारगेट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि ये ग्रास लेवल, रूट लेवल पे काम होता है, जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड वॉलेंटियर को हम चुनते हैं, जिसको सुपोषण संगिनी कहा जाता है, जिनको हर वो नॉलेज दिया जाता है जो कि एक न्यूट्रिशियस ज़िंदगी जीने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। अदानी विल्मर बहुत ही गर्व से कहता है कि ये प्रोजेक्ट वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है विद अदानी फाउंडेशन, और दोनों साथ मिल के कुछ वैल्यू, कुछ डिफरेंस कर पाए हुए हैं। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि हम जहां अभी तक जितना काम किए हैं, हम बताएं कि हम क्या किए हैं। जैसे कई पत्रकार भाई ने हमको बोला भी कि हमको पता भी नहीं था, तो ये हमारा काम बनता है कि हम आपको बताएं कि क्या काम चल रहा है, और आप इन टर्न बाकी लोगों को बताएं कि ऐसा चल रहा है, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये पूरी जो साइकिल है इसको ब्रेक करें। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।